हेलो नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम आरएस भर्ती 2023 से संबंधित बात करने वाले हैं, ठीक है। आपका आरएस प्री का एग्जाम है उसको लेकर बात करेंगे। आप सभी को पता है आरपीएससी ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो इसकी जो एग्ज़ाम डेट आरएस प्री की, वो आप सभी को पता है 1 अक्टूबर निर्धारित की है, ठीक है। कितनी की है? 1 अक्टूबर, ठीक है, ये आप सभी को पता है। उसके बाद में देखो आपका एग्जाम पोस्टपोन होने को लेकर आप सभी के, यानी स्थगित होने को लेकर आप सभी के डाउट था, और एक एडमिट कार्ड को लेकर डाउट था। आज ये दोनों डाउट मैं क्लियर करूंगा और मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी एग्जाम है वो स्थगित होगी या फिर नहीं होगी, और आखिरकार आपके जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएंगे, ठीक है। ये दोनों जो आपके टॉपिक है ये कवर हो जाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये चैनल आपको आगे काम आएगा, जैसे ही कोई एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो आपको सबसे पहले हम आपको बताएंगे, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, आरपीएससी ने एक न्यूज़ दी थी, ठीक है। आरपीएससी ने लगभग 4-5 दिन पहले न्यूज़ दी थी कि जो हम एडमिट कार्ड है ना, ठीक है, एडमिट कार्ड को लेकर मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड है ना वो हम कब जारी कर देंगे, एग्जाम से 7 दिन पहले, ठीक है। एग्जाम से 7 दिन पहले जारी कर देंगे, यानी आपकी एग्जाम 1 तारीख को है तो लगभग आपको 24 या फिर 23 के बाद एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 23 के बाद आपको एडमिट कार्ड कभी भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद देखो आपका एक डाउट और रहता है कि एग्जाम स्थगित होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम देखो, एग्जाम में ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपको पता है जो 1 अक्टूबर है इसको एक आपकी जो बैंक की एग्जाम है, ठीक है, आईबीपीएस पीओ की एग्जाम है वो भी है, तो दोनों के साथ होने के कारण एग्जाम स्थगित को लेकर आपका डाउट था कि स्थगित होगी या फिर नहीं होगी। देखो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आरएस की एग्जाम अगर स्थगित होती तो अब तक हो चुकी होती, क्योंकि आपको पता है अभी 10 दिन एग्जाम की बाकी है। कितने दिन बाकी है? 10 दिन बाकी है, और आने वाले 1-2 दिन में एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, तो एग्जाम आपकी अब स्थगित नहीं होगी। अंतिम 10-12 दिनों में आप अपनी जो तैयारी है वो एकदम अच्छे से रखिए, और तैयारी पर यहाँ पे बिल्कुल से भी आपको ये मत सोचना कि मैं तैयारी नहीं करूँ एग्जाम स्थगित होगी, बिल्कुल से भी नहीं होगी। अब आप तैयारी पर फोकस दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम दिनों में, और अगर एग्जाम स्थगित करनी होती तो आरपीएससी एग्जाम स्थगित कर देता, लेकिन अभी एग्जाम स्थगित नहीं होगी, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। और एडमिट कार्ड को लेकर आपका जो डाउट है, एडमिट कार्ड देख लेना एग्जाम से, ठीक है। एग्जाम से 7 दिन पहले आपको जो सिटी है यानी आपका शहर है उसकी सूचना दे दी जाएगी, ठीक है, उसकी सूचना दे दी जाएगी, यानी आप मान सकते हो 23 के बाद आपकी एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है, 23 के बाद। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपके एडमिट कार्ड आएंगे ना तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब आप बोल रहे हो कि हम तैयारी करें या फिर नहीं करें, एग्जाम स्थगित होगी। देखो एग्जाम अब स्थगित नहीं होगी, ठीक है, एग्जाम देखो 100% मेरे हिसाब से अब एग्जाम स्थगित नहीं होगी, ये आपकी बड़ी खबर आरपीएससी की तरफ से, क्योंकि अगर स्थगित होनी होती तो एग्जाम से 15 दिन पहले हो जाती, ठीक है। लेकिन अब यही पूरे चांसेज है 100% की अब एग्जाम स्थगित नहीं होगी, आपकी 1 अक्टूबर को समय पर ही जो एग्जाम वो होगी और टाइम पर आपके एडमिट कार्ड आएंगे, तो आप अपनी जो तैयारी है वो एकदम अच्छे से रखिए। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, चैनल को आप अपनी ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आपके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, ठीक है, एग्जाम को लेकर आरपी की तरफ से कोई भी न्यूज़ आएगी ना आरपीसी की तरफ से, तो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहना, और कुछ आपकी अपडेट्स है वो मैं आपको बता दूंगा। तैयारी देखो आपको अंतिम दिनों में करनी है, अब आपको पता है अंतिम 10 दिन आपके पास शेष है। कितने दिन है? 10 दिन आपके पास शेष है। अब काफ़ी सारे क्या कर रहे हैं, लगातार वीडियोस देख रहे हैं कि स्थगित होगी या फिर नहीं होगी, स्थगित होगी या फिर नहीं होगी, तो अब यही मान लो कि स्थगित नहीं होगी, क्योंकि होनी होती तो अब तक हो चुकी होती, क्योंकि यहाँ पे अब 10 दिन रही है, तो 10 दिन में कोई भी स्थगित एग्जाम को लेकर न्यूज़ नहीं है। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, उसमें बोला था कि अगले 2 दिन में आपको पता चल जाएगा, लेकिन 2 दिन में आपको आरपीएससी की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं मिली है, तो आप मान लो एग्जाम टाइम पर ही होगी 1 अक्टूबर को, और एडमिट कार्ड है वो भी टाइम पर ही आएंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बने रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद, थैंक यू।